खोलिया खेले राम लला। चिराग भैया गारी बन के सनावा, संग में लखन सिया मैया। आप भी जान रहे हैं कि 2024 में जो क्या चुनाव आने वाले हैं, तो कोई ऐसा जो नेता है कि जो नेता पे कुछ गाए? जी, मैं एक चिराग भैया पे गाना सुनाती हूँ। जी, अगे माई हमारो चिराग भैया गारी बन के सनावा, गे माई हमारो चिराग भैया गारी बन के सनावा, गे माई गारी बन के सनावा, हवन साचाई हमारो चिराग भैया गारी बन के सनावा, गे माई हमारो चिराग भैया गारी बन के सनावा, गे माई। जी, अभी आप देख रहे हैं कि होली का एकदम पूरा लहर अभी चल रहा है, तो होली के मैं चाहूंगा कि दर्शकों को कुछ सुनाइए। सिया चललिया वधवा के ओर होलिया खेले राम लला, सिया चललिया वधवा के ओर होलिया खेले राम लला, राम लला हो भगवान लला, राम सिया चललिया वधवा के ओर होलिया खेले राम लला, सिया चललिया वधवा के ओर होलिया खेले राम लला। सुष्मिता जी, आपको ऐसा नहीं लगता है कि कुछ अश्लील वर्ड यूज करके हम भी ट्रेंडिंग बन जाए, ट्रेंडिंग स्टार बन जाए? बहुत से ऐसे गायक हैं आपसे पीछे पीछे लोग हैं कि कुछ ऐसा वर्ड गा देते हैं, उसको लोग ट्रेंडिंग पे एकदम पहुँचा देते, आपको ऐसा मन नहीं करता है? नहीं भैया, मेरा ऐसा कभी मन नहीं किया। हम बस पारंपरिक पे हम लोग दोनों भाई बहन टिके हुए हैं, और पब्लिक का जो अथी होगा वो पता नहीं, भगवान जो देना होगा देंगे, हम लोग के आगे जाना होगा जाएंगे, नहीं तो हम लोग इतना अश्लील गा के फेमस नहीं होना है। जी राहुल जी, आपको भी ऐसा नहीं लगा, देखे होंगे कि जो छोटा छोटा अभी कलाकार जो उभर रहा है, वो ऐसा मतलब बर्थडे की यूज कर देता ना कि लोग उसका पसंद करने लगता है, उसका एकदम सुपर स्टार बोलने लगता है, कि आपको कभी ऐसा मन नहीं लग किया कि हम भी मतलब उस तरह के वर्ड यूज करें, हम भी अच्छा पे जाएं? ठीक है, अक्सर सब लोग को कामयाबी और खुशी, शोहरत, पैसा सब कुछ चाहिए, ठीक है, वो मेरे को भी नीड है, ऐसा नहीं है, लेकिन जितना शॉर्टकट से कैरियर बनता है उतना शॉर्टकट से निकल भी जाता है। अब देखे हो कि आंधी तूफान की तरह मार्केट में आता है, लोग आंधी तूफान की तरह बुझ जाता है, तो वैसा मुझे कैरियर नहीं चाहिए, मुझे बहुत हाई तक, ऊँचाई तक जाना है, एक लेवल तक काम करना है, तो जब लोग लेवल के काम करने वाले होंगे ना, वो चंद खुशी के लिए काम नहीं करेंगे, जो हम लोग चंद खुशी के लिए काम नहीं करते, एक फ्यूचर सोचते हैं, एक फ्यूचर प्लानिंग करते हैं कि आगे तक मुझे काम करना है, मुझे ये प्रोजेक्ट करना है, थोड़ा उसका फ्यूचर हो, भले आज नहीं लेट से ही सही, लेकिन जरूर कामयाबी मिलेगा, अपने मेहनत पे भरोसा करते हैं। जी भैया, आप जो बांसुरी बजा रहे थे बहुत कमाल के एकदम बजा रहे, इतना मधुर, आपने सीखे क्या? सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। हम भैया विकास कुमार प्रेमी और नजर जनता न्यूज में जो जुड़े हुए हैं, आप सबको नमस्कार। सॉरी, जब भैया हम 6 साल के थे ना, मेरे पिताजी पहले बस्त बजाते थे, इसके बाद मैंने ट्राई किया, इसके बाद 6 साल से मैंने मुरली बजाया, इसके बाद कुछ साल के बाद मैंने हारमोनियम सीखा, इसके बाद तबला। उन्हें अब सब चीज़ का एकदम वादक है, बसुरी भी बजाते हैं, हारमोनियम भी बजाते हैं, तबला भी बजा लेते हैं। जी सर जी, तो आप सोच सकते हैं कि एक व्यक्ति के पास कितना कला है। और चलिए राहुल जी, आप कुछ होली का गाना गुनगुना दीजिए। ये गाना है, चल ले बहनवा के बोर, चल ले बहनवा के बोर, संग में लखन सिया
ये अपना सामाजिक गीत है जी। चलले बतना कसाई कैसे बन गईले माए कैसे रे ते जब हम राम जैसन भाई। कुछ गीत था अभी कोशिश किए गाने का, बहुत हाई लेवल का स्केल है और ये बगैर हारमोनियम का पॉसिबल नहीं है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा गाला लग जा रहा है लगातार रिकॉर्डिंग की वजह से, तो प्लीज़ भूल चूक होगा तो बेटा समझ के माफ़ करेंगे। चलिए सुष्मिता जी, आप लास्ट क्वेश्चन है, आपका जो ये सिंगिंग लाइन में सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट है कौन करते हैं? सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे प्यारे भैया राहुल भैया जी। देखिए जिस बहन के सामने अगर एक भाई खड़ा हो उसका दुनिया का कितनों भी आंधे तूफान आ जाएगा वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता जी भैया जी। मैंने घर के पूरा माता पिता भाई का सबका सपोर्ट सब मिलता है, सपोर्ट रहता है सबका जी। और जहाँ पे शादी की है वहाँ हस्बैंड का क्या रिएक्शन रहता है? सबका सपोर्ट रहता है, वहाँ से भी हस्बैंड सब लोग का सपोर्ट करते हैं जी जी। तो हर घर का परिवार ऐसे होना चाहिए, कितना का शादी ब्याह हो जाता है तो हस्बैंड कहते हैं कि नहीं इस लाइन में नहीं करना ये करना है, तो मैं उस व्यक्ति को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सुष्मिता जी के इतना मौका दिया। तो आते जहाँ पे पैसा, जहाँ पे लक्ष्मी जी और गणेश जी रहेंगे वहाँ पे तो जाहिर सी बात है कि अक्सर बेटी का गाला कटेगा, किसी आग में झुलसेगी, बात बात पे तना मिलेगा, तो लगे रहेगा। तो हम कोशिश करते हैं कि जिस घर में कभी भी ना 10 ताला का बिल्डिंग देखें जिसमें बेटी को ब्याह रहे हैं, नहीं तो कभी 4-व्हीलर देखें वो देखें कि मेरा इसका घर का बुजुर्ग कैसा है, माँ बाप कैसा है, सुख सुविधा है, तो मेरी बेटी भी उसमें खुश रहेगी, ठीक है ना। तो वो बेटी को खुशी ढूंढने की कोशिश करें अक्सर, और बस यही कहना चाहेंगे। और दहेज के बात है तो जी, तो थोड़ा दहेज के प्रति कुछ गाना के भाव से कुछ सुनाइए। वही तो अक्सर सुष्मिता जो मेलोडी भी गाई है, मतलब जो लिरिक्स गाई है, अरे अब नहीं जइहा पापा दोसर के दुवारी हमको मारी रहब, अब नहीं जइहा पापा दोसर के दुवारी हमको मारी रहब, अब केहू न बुझी पापा तोहरो लाचारी हमको मारी रहब। मतलब इस गाने का मेथड जो गाई वो गाना सुष्मिता प्ले के गाना को, उस गाने का मतलब है कि मतलब किसी बाप किसी दरवाजे पर जाता है रिश्ता के लिए, तो इतना ज़्यादा पढ़ाई का दाम लगाता है, वो अपना बेटा का बोल लगाता है, तो बेटी वो सुन के बिलख जाती है, बोलती है कि अब नहीं जाइए पापा दूसर के दुहारी हम कुंवारी हम भी लोग नहीं शादी करेंगे लेकिन बाप को इस हाल में नहीं देखेंगे, क्योंकि परिवार उसका सर्वश्रेष्ठ होता है और बेटी के लिए घर उसका माँ बाप परिवार सब कुछ होते हैं। तो इस आपका जो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपना राय जरूर रखें। जय हिंद।